कुछ लोग अपने आप में प्रशिक्षित होते हैं, उन्हें एक चीज को सीखने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने अंतर्मुख से वो दूसरों को सिखाते हैं। जीवन में आई परेशानियां उन्हें सिखा कर जाती है कि तुम्हें हमेशा चलना है और मुकाबला करना है। टूटा हुआ दिल और मिली हुई ठोकर हमेशा दिल में छुपा के ये लोग हमेशा खुश रहते हैं। हमारे फिल्म जगत में भी एक कलाकार हैं जिन्होंने बाल उम्र से काम करना शुरू किया और यकीन मानिए वो आज बुढ़ापे में भी काम कर रही हैं। छोटी बच्ची, अभिनेत्री, सह अभिनेत्री, माँ, ऐसे अनगिनत किरदार उन्होंने निभाए हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। हमारे चैनल के शीर्षक की तरह हम आपको ऐसे कलाकारों से रूबरू करवाते हैं जिनका जीवन प्रेरणादायी और खूबसूरत रहा है। अगर आप भी अभिनेत्री सारिका के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए और अंत तक वीडियो देखिए। 3 जून 1962 में जन्मी सारिका ठाकुर बचपन से होशियार थी, पर पारिवारिक माहौल इतना बिगड़ गया कि उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो बात अलग है कि उन्हें जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिला, पर परवरिश के रूप में उन्हें प्यार तक नहीं मिल सका। कहा जाता है कि जब वो छोटी थी तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। उनके पिताजी फोटोग्राफर थे, उनके पिता राजस्थान से थे तो माताजी मराठी थी। तब वो लोग दिल्ली में रहते थे। अलग हो जाने के बाद माँ अपने बेटी सारिका को लेकर मुंबई आई। यहाँ आकर वो दोनों फिल्म जगत से जुड़ गए और मात्र 5 साल के उम्र में सारिका ने अभिनय क्षेत्र में कदम रखा। पर जहाँ किस्मत मेहरबान थी, वहाँ परेशानियों ने भी अहम भूमिका निभाई। पर्दे पर सारिका को बेबी सारिका इस नाम से क्रेडिट मिलता था। महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने सारिका को सबसे पहले अपनी फिल्म मजली दीदी में अभिनय करने का मौका दिया। 1967 में रिलीज हुई और बंगाली कादंबरी पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त फ्लॉप रही, पर आज इसे ऋषिकेश मुखर्जी की सबसे अच्छी फिल्म के रूप में देखा जाता है। इस फिल्म में बेबी सारिका ने मीना कुमारी की बेटी का किरदार निभाया था। इसके बाद उसी साल रिलीज हुई हमराज फिल्म कामयाब रही। सुनील दत्त और राजकुमार जैसे कलाकार के अलावा बेबी सारिका ने भी इस फिल्म में अच्छा अभिनय किया था। इस फिल्म के बाद बेबी सारिका स्टार किड के रूप में उभरने लगी। जल्द ही उन्हें खूब सारी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, पर बड़े पर्दे पर खुश दिखने वाली बेबी सारिका अपने घर में खुश नहीं रहती थी। रिपोर्टर्स की माने तो उनकी माँ उनसे ज़बरदस्ती काम करवाती थी। सारिका पढ़ना चाहती थी पर उनकी माँ ने उन्हें स्कूल जाने नहीं दिया। घर में मारपीट होती थी पर बाल उम्र में सारिका ने सब कुछ सहन किया। वो जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे उनकी कामयाबी भी बढ़ी। पर एक दिन सारिका को पता चला कि उनके द्वारा कमाए हुए पैसों से सारिका की माँ ने मुंबई में 4 अपार्टमेंट खुद के नाम खरीद लिए। तब उन्हें बहुत बुरा लगा, इसीलिए किशोर उम्र में सारिका ने घर छोड़ दिया और अपने दम पर फिल्में करने लगी। मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म हिट रही। मराठी और हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता सचिन के साथ उनकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था गीत गाता चल। सारिका के साथ एक चीज हमेशा रही कि वो इतने समय से फिल्मों में सक्रिय रहने के बाद भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर ज्यादा नजर नहीं आई, मगर उनकी एक्टिंग को सपोर्टिंग रोल्स में भी खूब सराहा गया। उनकी भूरी आंखें और गोरा रूप बहुत खूबसूरत था। उनकी खासियत ये भी थी कि वो दुख भरी महिला का किरदार आसानी से निभा लेती थी। 1978 की फिल्म अनपढ़ में अभिनेता विजेंद्र घाटगे और अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी लाजवाब रही। अभिनेता सचिन के साथ उनकी अगली फिल्म मधुमती कुछ खास चल नहीं पाई, पर उस दौर में सचिन का नाम सारिका के साथ लिया जाता था। फिल्म इतिहासकार मानते हैं कि सचिन के साथ सारिका शादी करने वाली थी और 2 मराठी फिल्मों में उन्होंने काम भी किया था, पर उनका ये रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया।
इसके बाद वो बढ़ती उम्र के साथ फिल्मों में चरित्र किरदार प्ले करती थी। छोटी बहू, जिद, वंदना और खुशबू जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिर वो साइड एक्ट्रेस के रोल में कास्ट की जाने लगी। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर की फिल्म गृह प्रवेश में वो नजर आई। इसके अलावा जानी दुश्मन में भी वो रोमांस करती दिखी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कमल हसन के साथ सारिका का रिश्ता प्रचलित रहा, पर आप ये नहीं जानते हैं कि सारिका पहले क्रिकेटर कपिल देव की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। दरअसल सारिका सच्चे प्यार की तलाश में थी। कपिल देव के रूप में उन्हें सहारा मिलने जा रहा था, पर कहा जाता है कि पहली गर्लफ्रेंड रोमी भाटिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो सारिका के निकट आए। दरअसल इन दोनों की पहचान 1983 के बाद हुई। अपने प्यार का इजहार करते हुए वो सारिका को अपने घर पंजाब भी लेके गए, पर अचानक कपिल ने अपना फैसला बदल दिया और पहली गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। इसके बाद सारिका के जिंदगी में कमल हसन आए। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कमल हसन का तलाक होने वाला था। कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो बर्बाद हो गए थे, इसीलिए आर्थिक सहारे के लिए उन्होंने सारिका से नजदीकियां बनाई। कमल हसन के प्यार में सारिका पूरी तरह से डूब गई। जब सारिका को स्टार अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था, तभी उन्होंने फिल्मों से दूर जाने का फैसला लिया। वो अपना पूरा जीवन कमल के साथ गुजारना चाहती थी। धीरे धीरे उन्होंने तमिल बोलना सीख लिया। कमल के साथ सारिका लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। आधिकारिक तौर पर उन दोनों ने शादी की नहीं, पर इस रिलेशनशिप से सारिका ने दो बेटियों को जन्म दिया, श्रुति हसन और अक्षरा। आज के समय वो दोनों अभिनेत्रियां हैं। कहा जाता है दो बेटियों को जन्म देने के बाद 1994 में कमल हसन और सारिका ने शादी की थी। एक्टिंग से संन्यास लेने के बाद सारिका कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करने लगी। 2000 में रिलीज हुई कमल हसन की फिल्म हे राम में सारिका ने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, इसीलिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। पर जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। सारिका की एक दोस्त गौतमी के साथ कमल की नजदीकियां बढ़ी। इसे देखते हुए सारिका ने 2004 में कमल को तलाक दे दिया। सारिका ने अपने जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परेशानियां झेली हैं और हर वक्त उन्हें अपने लोगों ने धोखा दिया है। तलाक के बाद सारिका ने नए उमंग के साथ करियर शुरू किया और 61 साल की हो चुकी सारिका आज भी वो फिल्मों में स्वतंत्र रूप से सक्रिय है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।